नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिम्बसार गौतम चैनल में। दोस्तों, आज हम व्यंजकों का सरलीकरण करना सीखेंगे। व्यंजकों का सरलीकरण कैसे और किस नियम से करते हैं यही जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्यंजकों का सरलीकरण किसे कहते हैं। बड़े बड़े व्यंजकों को संक्षिप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस का हम प्रयोग करते हैं, उसे हम सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो चलिए इस परिभाषा को लिख लेते हैं। सरलीकरण बड़े से बड़े व्यंजकों को संक्षिप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, उसे सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन कहते हैं तो ये सिंप्लीफिकेशन की परिभाषा होगी सरलीकरण की। बड़े से बड़े व्यंजकों को संक्षिप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, उसे हम सरलीकरण मीन्स सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो सरलीकरण है वो किस नियम या विधि से हम करते हैं, तो उस नियम या विधि का नाम है बोडमास। बोडमास नियम तो हम बोडमास नियम से हम व्यंजकों को सरल करना सीखेंगे। तो सबसे पहला अब बात आती है कि बोडमास क्या है। अब पहले हम बोडमास को समझ लेते हैं। तो बोडमास में सबसे पहले क्या आ रहा है, बी। बी फॉर ब्रैकेट, इसे हम हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक, और जो ये कोष्ठक हमारे, वो सामान्यतः हम तीन प्रकार के कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हो गया
ये है हमारे पास, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट। दूसरा होता है मंझला ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं कर्ली। राउंड ब्रैकेट को हम यहाँ लिख देते हैं छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक ये हो गया कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मंझला, मंझला, मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक फिर तीसरा था है इसमें तीसरा हो गया इसमें स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, ये हमारा बड़ा कोष्ठक होता है। तो हम सामान्यतः तीन प्रकार के ही कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। राउंड ब्रैकेट को हम स्मॉल ब्रैकेट भी कह देते हैं, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम बिग या लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं। तो सामान्यतः हम तीन प्रकार के ही कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें तीन ब्रैकेट के अलावा भी की और एक ब्रैकेट की जरूरत पड़ जाती है। तो जैसे कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो अगर इसी प्रकार की जब हमें तीन से ज़्यादा ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है तो हमने उसमें एक नए कोष्ठक का निर्माण किया या उसकी जो जरूरत पड़ी, तो ये हो गया हमने यहाँ इसको वेनिकुलम। तो वेनिकुलम, तो इसको वेनिकुलम को हमने कैसे लिखा, वी से, वी, वी फॉर वेनिकुलम। वेनिकुलम, वेनिकुलम मीन्स क्या होता है, बार। वेनिकुलम मतलब बार, इसको एक लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह हम देखते हैं इसको, तो ये होता है हमारा इसका बार, इसको हम बोलते हैं बार, बी ए आर, बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट क्योंकि एक लाइन की तरह होता है इसको, इसलिए हम इसको रेखा कोष्ठक भी बोलते हैं, रेखा कोष्ठक। तो इस प्रकार ये वर्ड मास के आगे हमने भी लगा दिया क्योंकि हमने एक नया कोष्ठक को निर्माण किया। लेकिन क्या है कि ये जो, लेकिन ये हमने भी लिया है नया कोष्ठक लिया, ये इस कोष्ठक के अंतर्गत ही आता है, इस कोष्ठक के अंतर्गत ही इसको लिया जाता है, इसलिए हम आम तौर पर केवल वर्ड मास ही बोलते हैं। जब भी हम आवश्यकता होती है वेनिकुलम मीन्स बार ब्रैकेट का हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पर हम इसको वर्ड मास ही बोलते हैं। अब बात आती है कि इसमें जो ये ब्रैकेट हो गया, अब हमारे पास कितने प्रकार के ब्रैकेट हो गए, चार प्रकार के ब्रैकेट हो गए। अब ये तो जो ब्रैकेट होते हैं, तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास छोटा ब्रैकेट है कोष्ठक है उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद नंबर आता है कर्ली ब्रैकेट का, फिर आता है स्क्वायर ब्रैकेट का। तो क्रम से हम क्या काम करते हैं, इनको ऊपर से नीचे
अगर हमारे सवाल में क्वेश्चन में दिए होंगे तो जो सबसे जो ये कोष्टक होगा बार ब्रैकेट, तो उसको ही हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद राउंड हो गया, फिर करली हो गया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। तो हम सामान्यतः जो गणना में ब्रैकेट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ताकि हमें हमारी जो गणना है वो गलत ना हो जाए, अशुद्ध ना हो जाए, इसलिए हम ब्रैकेटों का इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। एक सामान्य नियम ये भी है कि ब्रैकेट चाहे जिस किसी भी क्रम में लगे हुए हों, जो अंदर के ब्रैकेट होता उसको क्रमानुसार हटाकर हम सरलीकरण की क्रिया करते हैं। फिर इसके बाद आता है बी के बाद आ गया ओ, बी के बाद ओ, ओ फॉर ऑफ, ऑफ पावर ऑफ फिर हो गया ये परसेंटेज ऑफ और तीसरा उसमें हो गया फ्रैक्शन ऑफ। फ्रैक्शन ऑफ हाँ, एक और बार बता दूं कि जो ब्रैकेट्स अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको ऊपर आई बटन में एक नई वीडियो मिल जाएगी जिसको आप उस देखकर और अच्छे तरह से ब्रैकेट के बारे में जान सकते हैं। तो अब आ रहा है इसमें ओ मीन्स ऑफ, हिंस का जो अर्थ होता है वो काकी के, का की के संदर्भ में होता है, इनका जो ऑफ का जो इस्तेमाल है काकी के संदर्भ में होता है, और इसका जो साइन होता है जो हम इसको गुणा, इसको हम गुणा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन एक बात जैसे ये है आ रहा है इसमें पावर ऑफ, तो सबसे पहला हम जो क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कहीं ऑफ आ रहा होगा, तो जैसे इसमें कहीं पावर दी हुई हो, तो जैसे 2 की पावर 3 या 8 की पावर 2 दी हुई है, तो 2 की पावर 3 या 8 की पावर 2 जो दी हुई है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 मीन्स, यानी कि जो जितनी बार पावर चढ़ी होती है उसको उतनी बार वो संख्या गुणा के रूप में लिखी होती है, तो 2 × 2 = 8। तो पहले इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, अगर इस तरह दिया हुआ है 8 × 8 2 बार 2 पावर है इसकी, तो 8 × 8 हो गया, तो 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64, ठीक है। तो इसलिए जब कहीं पावर आ रही हो तो पहले हम पावर का क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद आता परसेंटेज, परसेंटेज जैसे मान लिया कहीं लिखा हो 50 का 20%, कितना लिखा हुआ है 50 का 20% तक लिखा हुआ है, तो यहाँ इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं, 20% of 50, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एक चीज़ और देखिए, यहाँ आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इस चिन्ह को हम बोलते हैं प्रतिशत, परसेंटेज, पर परसेंट, ठीक है, ये जो चिन्ह होता है परसेंट का होता है, और इसमें दो शब्द परसेंट जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो पर और सेंट, इस सेंट का मतलब होता है 100, और परसेंट का मतलब हो गया पूरा 1/100, 1/100। अगर कहीं भी ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इस चिन्ह को हटाकर हम 1/100 लिख सकते हैं, तो जैसे ही आया था 50 का 20%, तो इसको हम क्या करेंगे, 50 हम यहाँ हमने बताया है कि जो ये का ऑफ मीन्स का को जो हम गुणा के रूप में लेते हैं, तो गुणा 20 × 1/100, तो कितना हो गया, 50 × 100 और 200 काटेंगे तो 10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10। इस तरह से हम इसको
सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। फिर आता है इसमें आता फ्रैक्शन भिन्न। तो अगर कहीं हमें भिन्न दी हुई है इस तरह से दिया हुआ 1/2 × 50 या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 150 जो भिन्न दी हुई है ये ऑफ 50। तो यहाँ ऑफ का मतलब क्या ही है, गुणा से आएगा तो 1/2 जो भिन्न दी हुई है कुछ इसमें बदल दे ऑफ को बदल देंगे हम गुणा में 50 तो ये आ जाएगा 25। जब काटेंगे तो 25 आ गया। या दूसरे से अगर मान लो कोई भिन्न हमें दी हुई है 2/3 ऑफ 75 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 75, तो हम इसको क्या करेंगे 2/3 ऑफ को गुणा के रूप में बदल लेंगे और 75 तो ये आ जाएगा कितना 25, तो 25 × 50 तो इसका 2/3 कितना हो गया 75 का 50 हो गया। तो इस तरह से हम इसको ऑफ को, तो पहले ब्रैकेट सिस्टम को पहले वेनिकुलम हो गया जो ब्रैकेट के रूप में अंतर्निहित है और फिर उसके बाद ओ मीन्स ऑफ इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारे पास डी, क्या आता है डी 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 मीन्स क्या होता है डिवीजन। डिवीजन डिवीजन को हम क्या कहते हैं भाग, क्या बोलते हैं इसको भाग। और जो इसका सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह से, ये इसका सिंबल हो गया। तो उसके बाद हम क्या काम करेंगे डिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद आता है इसमें एम, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन गुणा क्या होगी गुणा, ये गुणा का साइन हो गया। फिर इसके बाद आता है ए एडिशन, एडिशन एडिशन मीन्स जोड़, जोड़ कह दो योग कह दो, इसका जो साइन होता है वो ये हो गया। और लास्ट में बचता है एस, एस सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन इसे हो गया घटाव। इसका जो साइन या चिन्ह होता है वो होता है ये, ठीक है। तो जब भी हम व्यंजकों को सरल करेंगे तो पहले हम ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को, फिर इसके बाद डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे हमारे पास यहाँ भी जो चिन्ह आया है ये भी गुणा का है और ये भी क्या है, दोनों ही चिन्ह गुणा के हैं, लेकिन इनको कहाँ कैसे यूज़ करेंगे एक बार इसको और समझ लो। क्योंकि जो ऑफ होता है, जैसे मान ली हमने एक वो लिखी, हमने कहा 40/2 10 2-1 इस तरह का है, और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ हमें ये 40/10 × 2-1। तो इसमें देखो क्या आया है, इसको हम किस में बदलते हैं, इसको हम गुणा में बदलते हैं, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, किससे आया, डिवीजन से पहले आया है। तो हम पहले क्या काम करेंगे, इस पहले इसको सॉल्व करेंगे, इतने हिस्से को हम सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 40/10 × 20
दस दुनी 20 माइनस एक, तो अब क्या करेंगे फिर भाग करेंगे, अब उसके बाद क्या आ जाता है भाग आ जाता है, डिवाइड का होता है, तो कितना जब 20 से भाग करेंगे 40 को तो कितना आ जाएगा 2 माइनस एक बराबर एक, कितना आ गया ये आ गया। फिर इसके बाद अब यहाँ तो पहले से ही मल्टीप्लाई है, तो यहाँ क्या है पहले डिवाइड है उसके बाद मल्टीप्लाई है, पहले डिवाइड है फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ क्या काम करेंगे पहले इसको डिवाइड करेंगे, चार से डिवाइड दस को, चालीस को दस से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा चार, पहले हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों के बीच में, तो चार गुणा दो माइनस एक, और फिर मल्टीप्लाई करा हमने चार दूनी आठ माइनस एक बराबर सात। तो इस तरह से अगर हम यहाँ जैसे हमने यहाँ गुणा लगा लिया था गुणा, अगर इस तरह से करते तो फिर हमारा उत्तर कितना आ जाता सात आ जाता, तो जो कि गलत हो जाता। तो इसलिए ध्यान रखना है कि यार कहीं ऑफ ऑफ की जो गुणा होती है जिसको हम गुणा मानते हैं उसको हम डिवाइड से पहले उसको करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का जो चिन्ह होगा उसके बाद डिवाइड के बाद करते हैं। तो चलिए तो ये इसकी पूरी डेफिनेशन हो गई कि बोर्ड मास क्या है, इसको बोर्ड मास को हम किस तरह से यूज करेंगे। तो ये याद रखना है कि बोर्ड मास को हम सबसे पहले अगर हम यहां से देखते हैं लेफ्ट टू राइट, तो जो भी इसका हम बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे वो लेफ्ट टू राइट करेंगे, यानी कि पहले हम ब्रैकेट यूज करेंगे फिर ऑफ का फिर डिवाइड मल्टीप्लीकेशन ऐड और सब्ट्रैक्शन का हम यूज करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, 20 प्लस छोटा मंजिला पर अगर शुरू 9 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 4 अच्छा छोटा ब्रैकेट आ गया फुल ब्रैकेट, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, हाँ हमें इसमें ब्रैकेट भी दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें कोई बार ब्रैकेट तो है नहीं लेकिन जो सिंपल ब्रैकेट है वही है, पहले सर उनको हम सरल करते हैं। तो देखते हैं, तो इसमें जो सबसे अंदर का जो सबसे छोटा ब्रैकेट हमें ये दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जो ये ब्रैकेट हमें दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो रही है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो 20 प्लस 9 माइनस 5 प्लस, आप इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 में से जब 4 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद अब देखो अंदर क्या बच गया, ये बच गया, ये जो मंजिला ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो 20 जमा, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसमें भी इस ब्रैकेट में भी क्या हो रहा है, इस ब्रैकेट में भी 9, पहले समझ क्या करेंगे हम, इसमें दो चिन्ह दिखाई दे रहा हूँ, एक माइनस का एक प्लस का है, एक माइनस का और एक प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 9 2 11 और माइनस का 5, तो ये कितना हो जाएगा जब इसे 11 से 5 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 6 बच गया, तो कितना हो गया 20 जमा 6, अब इस ब्रैकेट को भी हमने सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया 26 आ गया, इसका आंसर कितना आ गया 26 आ गया। अब चलिए अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल उतार लेते हैं। 2 सही 1 बटा 4 प्लस 5 बटे 2
गुणा 160 भाग 2 की पावर 3। ठीक है, अब इस जो व्यंजक हमें दिया हुआ है इसको देख लेते हैं कि यहाँ सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 2 की पावर 3 आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस टर्म को जो ये पद है इसको सरल करेंगे। तो एक हो जाएगा कितना, 2 सही 1/4 + 5/2 गुणा 160 भाग, ये 2 की पावर 3 का मतलब ये हो गया 2 × 4 × 8, इसका आया जब सरल करते हैं तो 8 आ गया। इसके बाद जो हमारे पास भिन्न हुई तो भिन्न को सरल कर लेते हैं, तो 2 × 4 × 8 = 9, 9/4 + 5/2 गुणा 160 8। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से चिन्ह है, प्लस के, गुणा के और भाग के। तो अब क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले डिवाइड करना है। तो इस वाले पद को क्या करेंगे हम, इस वाले पद को सरल करते हैं, तो 9/4 + 5/2 गुणा, जब इसको भाग देंगे 160 को तो 8 × 16 = 20 आ गया। ठीक, तो कितना आया, 20 आया। उसके बाद अब क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो हमें दो पद दिखाई दे रहे हैं ये हैं, इनको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसको काट दो तो कितना आ जाएगा, 10 और 10 × 5 = 50, तो 9/4 + 5/2 = 50 आ गया। अब इसको हम 9/4 को क्या लिख सकते हैं, एक तो तरीका यह है कि इसमें 4 एलसीएम ले लो और इसको सॉल्व कर लो, दूसरा इसको हम जैसे ये क्या था इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/4 + 50, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको 2 + 1/4 + 50, तो ये हो जाएगा 52 + 1/4, या इसको लिख सकते हैं 52 + 1/4, इसको या हम सीधे ही इसको एल से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 750 का 16% भाग 40। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है इसमें, इसमें का आया है, भाग से पहले ऑफ है, का मीन्स ऑफ होता है। तो इसको हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम इसको सरल करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 750 गुणा, हमने कहा था का को हम गुणा के रूप में बदल लेते हैं, और 16, अब प्रतिशत को बताया था 1/100 / 40। ठीक है, तो अभी कितने काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से काट दो, 25 से काटा हमने, 25 × 75 = 0 और 25 × 4 = 100, और 4 से काट दो, 4 × 4 = 16। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों ही गुणा कर लो, 4 × 12 = 120 / 40। ठीक है, अब क्या काम करना है, ये जो है इन दो पदों के बीच में भाग करनी है। अब तो एक ही साइन बच गया, तो 120 / 40, तो कितना आ जाएगा, 4 × 12, कितना आ गया, 4 × 12 आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर आया ये 3। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है 5/2 ऑफ 2/3 ऑफ 150। ठीक है, 150। अब देखो यहाँ ऑफ, ऑफ मीन्स क्या होता है, का। यहाँ आपको दो पद दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये दो स्टेप में होगा, एक ये और एक ये। ठीक है, आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम इस वाले पद स्टेप को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2 गुणा, या इसको हम फिलहाल ऑफ ही करके लो ऑफ, इसको जब हम सरल करेंगे तो 2/3 गुणा 150, तो ये हो जाएगा 5/2 ऑफ
इसको काट दो, तीन पंजे 15, 50 जाएगी 100, और जब 100, 200 काटेंगे तो 50 आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा 250। तो हमने इसको आपको दिखाने के लिए पहले ये स्टेप सॉल्व किया, फिर उसके बाद इस वाली स्टेप को सॉल्व किया। लेकिन चाहे तो हम क्या काम करते हैं, शुरू में ही इसको यहाँ भी गुणा लिख सकते हैं और यहाँ भी गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं दूसरे तरीके से। लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसको हमने पहले इतने हिस्से को सॉल्व किया, फिर इस वाले हिस्से को सॉल्व किया जो आया साथ में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। पहले मैंने आपको थोड़े सरल से सवाल लिए हैं, अब मैं थोड़े कुछ कठिन सवालों की ओर बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ इस पे बार छूट गया, तो ये इसमें क्या है, हम सबसे देखते हैं कि जो सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट में भी क्या है, बार दिखाई दे रहा है। वहाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, जब शुरू में ब्रैकेट की बात चल रही थी तो ये थी कि जो ये बार होता है वो केवल दो संख्याओं पर ही होता है और सिंगल ऑपरेशन के लिए होता है। एक बार फिर समझ लीजिए, जो ये बार होगा, जो एक कौन से हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो केवल दो नंबर के ऊपर ही होती है, और सिंगल ऑपरेशन होता है, केवल सिंगल साइन के लिए होता है। ऐसा नहीं कि डबल साइन हो, ट्रिपल, मल्टीपल साइन के लिए नहीं होता, केवल सिंगल साइन के लिए ये हमारा बार होता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसी को जो इसको सॉल्व करेंगे जो हमें बार दिया हुआ है। मैं दूसरी चौक का कलर चौक का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ जाए कि कौन कौन से स्टेप आप ये देख रहे हैं जो सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 14 बड़ा ब्रैकेट 12 माइनस ये छोटा मंझला ब्रैकेट माइनस 7। अब देखो इसको घटाएंगे, 4, 6 में से जब 2 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा ये जो बार है, बार ब्रैकेट है, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा इसके छोटे वाले ब्रैकेट के लिए। तो छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। जब 7 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब देखो हमारा जो ये राउंड ब्रैकेट था ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब बचेगा इसमें कौन सा, ये करली ब्रैकेट। इस करली ब्रैकेट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हो जाएगा 14, 12, इसको जब 9 में से जब 3 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब बचा ये बड़ा ब्रैकेट, तो ये कितना हो गया, 14। अब हम क्या काम करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को भी सॉल्व करते हैं। 12 में से जब हम क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और अब तो सिंगल ही साइन बचा है माइनस का, इसमें से ये घटा दो तो कितना बच गया, 8। कितना बच गया, 8 बच गया। ठीक है, तो ये हमारा अगला सवाल हो गया सॉल्व। चलिए और अगला कुछ और सवाल देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और सभी तरह के जो कई तरह के मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो उनको आप सरल होता देखें या समझ लें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, 3 बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मंझला ब्रैकेट 3, फिर छोटा ब्रैकेट शुरू हो गया और 3, और यहाँ भी 3 माइनस 3, ऊपर बार दिया हुआ है, ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मंझला ब्रैकेट, और फिर ये हो गया बड़ा ब्रैकेट। तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसमें ये भी जो हमें दिया हुआ है बार ब्रैकेट, इसको हटाते हैं, ये सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो गया, छोटा ये हमारा बार ब्रैकेट
खत्म हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, इसको छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब तीन में से जीरो घटाएंगे तो तीन ही बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस वाले करली ब्रैकेट जो, इसको सॉल्व करना है। तीन तो कर लिया हमने, इसको तीन में से तीन घटाएंगे तो जीरो बच गया। हमारे पास अब बचा बड़ा ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट बोलेंगे या लार्ज ब्रैकेट बोलेंगे इसको हम। तो कितना हो जाएगा, तीन, जब तीन में से जीरो घटाएंगे तो तीन ही बचेगा, और तीन में से तीन घटाएंगे तो जीरो बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक अलग तरह का हम क्वेश्चन लेते हैं। अगला अलग ही तरह का, सात, 400 / 40 / 6 / 2 / 5। ठीक, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इस वाले जो क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे इसमें सभी भाग दिखाई दे रहा है, भाग ही भाग है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होता है वो अलग ही तरह के क्वेश्चन होते हैं। हमें ये क्या ध्यान रखना है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि जब इस क्वेश्चन को करेंगे लेफ्ट टू राइट करेंगे। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हम लेफ्ट टू राइट, ऐसा नहीं कि राइट टू लेफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो ये जो अगर सभी उसमें हमें भाग दिया हुआ है, सभी भाग के चिन्ह एक अगर एक साथ लगे हों तो हम लेफ्ट टू राइट करते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, जब 400 को 40 से भाग देंगे, पहले हम करेंगे इन दो पदों को सॉल्व करेंगे, जो पद दिया हुआ है, जब 400 को 40 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ गया, 6 / 2 / 5। अब इन दोनों को करेंगे सॉल्व, कितना हो जाएगा, 10 / 6 / 2 / 5। और जब इसको इससे भाग करेंगे, एक चीज और समझ लीजिए कि जब भी हम कोई भाग के चिन्ह को, भाग के चिन्ह को, या जैसे हम एक चीज को करने से पहले समझ लिए, मान लीजिए हमारे पास 1/2 / 1/2 कोई 1/2 को जब हम भाग करते हैं 1/2 से, तो क्या हो जाता है, हम देख के बता देंगे भाई ये संख्या एक जैसी, अगर भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, एकदम आसानी से बता देंगे हम, भाग आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास जो कुछ भी नहीं इस तरह से हो, 1/2 / 5/7 हो, तो इसका मान बताओ जल्दी से। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम थोड़ी दिक्कत होगी कि 1/2 / 5/7 लिखना पड़ेगा, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं कि भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में चेंज कर लेते हैं, 1/2 इसको गुणा, और जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, जिस भी संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या को पलट दो, यानी अंश को हर कर दो, हर को अंश कर दो। तो इसको जब पलट देंगे तो 7/5 आ जाएगा, अब गुणा कर लेंगे 7 × 7 और 5 × 2 = 10, तो एकदम से निकल कर आ जाएगा। नहीं तो क्या करते, दूसरा जो तरीका था अगर हम वैसे करते तो 1/2 लिखते, फिर 5/7 लिखते, और फिर इसको करते तो ज़्यादा दिक्कत होती। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए, अगर कहीं भाग दे रहे हैं तो उसको गुणा के चिन्ह में बदल चेंज कर लीजिए, और जो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसको, उस संख्या को पलट दीजिए, यानी कि अंश को हर, हर को अंश कर दीजिए। तो ऐसे हम आज करेंगे कि 10/6 इसको बदल दो, बदल देंगे तो 1/2 हो जाएगा। और जब इस वाली पूरी संख्या को यह सॉल्व हो गया, इसको हम सॉल्व करके लाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये चीज आ गई हमारे पास। और इसके बाद जो इसको कर ही लो, पहले 2 से 8 तो 2 5 10, तो ये कितना हो गया, 5/6, ये भाग 5 थी। फिर हम ये जो इसको बदलेंगे किस में, गुणा के रूप में बदल दो, 1/5 कर दो, 1/5 संख्या को बदल दो, क्योंकि क्या है कि जैसे यहाँ 2 था, 2/1 कर लिया, ऐसे यहाँ 5/1 करेंगे तो अंश को हर, हर को अंश कर लेंगे, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 5 से 5 कट गया तो 1/6 आ गया। तो इसको जब हमने सॉल्व, अगर हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं राइट टू लेफ्ट करते हैं तो उसका आंसर कुछ और आता और वो गलत होता। सही मेथड, जो सही तरीका वो यही है कि हम जो लेफ्ट टू राइट करते हैं। चलिए इसको भी
सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइनस 12 प्लस माइनस का 6 भाग 2 और ये हो गया माइनस का 5 गुणा माइनस का 4, फिर मंझला ब्रैकेट शुरू हो गया 2 माइनस 3 माइनस 5, फिर मंझला ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो गया। तो अब देखिए इस वाले इसमें तो बहुत सारे हमको साइन दिखाई दे रहे हैं, ब्रैकेट भी दिखाई दे रहा है इसमें। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम, यहाँ ब्रैकेट आ रहा है तो सबसे पहले ब्रैकेट हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें ब्रैकेट दिखाई दे रहा है वो अंदर वो छोटा ब्रैकेट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉरी, तो करते हैं जल्दी से। माइनस का 12 प्लस का माइनस का 6 भाग 2 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 गुणा माइनस का 4 और ये हो गया 2। इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से हम 5 घटाएंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा, 2 बच गया। चलिए अगली लाइन में फिर इसको ऐसे उतारिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइनस का 5 और माइनस का 4, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है, माइनस चिन्ह क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, सॉरी 2, और ये हमारा छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब हमें क्या करना, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। माइनस का 4, इसको हमने सॉल्व करेंगे, दो दूनी वो 2 और 2 4 प्लस है, जोड़ देंगे तो 4 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट को जो बड़ा ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये पहले, अब देखो इस ब्रैकेट में भी क्या है, दो साइन दिखा दे रहे हैं, एक तो प्लस का है और वो सॉरी एक गणित गुणा का है और एक माइनस का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कर लेते हैं 5 और 20, तो प्लस का 20 हो गया और माइनस का 4। तो पहले इसके अंदर जो छोटे ब्रैकेट उनको सॉल्व करा, तो माइनस के 12 प्लस का माइनस का 6 और भाग 2, इसमें माइनस छूट गया था यहाँ, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 बच जाएगा। तो ये वाला भी ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, अब देखते हैं हमारे पास क्या बच रहा है, एक तो प्लस का साइन और एक कितना है, भाग का और माइनस का। अब क्या है कि इसमें बॉडमास के नियम के तहत डिवाइड आता है, तो इन जो हम इन दोनों के बीच में हम डिवाइड करेंगे। पहले माइनस का 12 प्लस, जब इसको इससे भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 16। अब इन ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये कितना हो गया, माइनस का 12 और प्लस माइनस माइनस 3 और माइनस का 16, इनको जोड़ लो तो कितना हो गया, सारे चिन्ह एक जैसे ही माइनस के, तो ये जुड़ हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 15 16 31 31 आ गया। जैसे यहाँ चिन्ह आते हैं, यहाँ प्लस का है या माइनस का, अगर आपसे चिन्हों से संबंध भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देखकर जो प्लस माइनस के जो साइन है उनको गुणा और जो भाग मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से करते हैं उन साइनों के बीच में, वो आप वीडियो देखकर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये 400 का 20% का 30% प्लस 300 का 40
प्रतिशत माइनस 550 का 30% और प्लस 30% का 20%। अब देखो इसको निकालो, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखेंगे 400 का हमने गुणा कर दिया का 20%, यानी कि 20 गुणा 1/100 का 30%, 30 गुणा 1/100। इसी तरह से इसको कर देंगे 300 का 300 गुणा 40 गुणा 1/100 और माइनस 50 गुणा 30 गुणा 1/100 प्लस 30 का 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 गुणा में चेंज करो 20 गुणा 1/100। अब इसको देख लिए, इस इतने वाले स्टेप को देखो जो प्लस से पहले पहले है, तो हमने इसको काटा कितना आ जाएगा, इसको अलग कलर से हम काट देते हैं, तो 100 चौका 404 और ये कितना हो जाएगा, इसको काटो 20 से काट दो, 20 पंजे 100 और 5 छंग 30, तो 6 चौक 24, तो इसमें पहले हिस्से में आया 24 प्लस, अब इसको काटो 100 तिया 300 और कितना होगा, 4 तिया 12 120 प्लस, इसको काटो 50 दुनी 100, इसको काटो 15 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 15 माइनस था यहाँ, जिन्हों का ध्यान रखे खास तौर से 15 और प्लस इसको काटेंगे तो 20 पंजे 100 और 5 छक्का 30, तो ये कितना हो गया, अब 6 आ गया। अब हमारे पास दो ही तरह के साइन दिखाई दे रहे हैं, प्लस के और माइनस के, जो प्लस वाले उनको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 24 144 अच्छा 150 और माइनस 15। अब दो ही हमारे पास ये रह गए हैं, 150 में से 15 घटाएंगे तो 135 आ गया। तो इसको जब देखने में तो हमें ये सवाल बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन इसका आंसर हमने निकाला तो इजी तरीके से हमने निकाल लिया। आप अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन इसमें करा दूँ। तो चलिए ये अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10, 4 का 25 माइनस 18 भाग 7 माइनस 2 का 3 माइनस छोटे ब्रैकेट में 13 और 4 माइनस 3 और प्लस 5। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या आ रहा है, का आ रहा है, सबसे पहले देखेंगे इसमें का आ रहा है, लेकिन क्या है का जो है वो इस पूरे ब्रैकेट के साथ है। अब पूरा ब्रैकेट, अब ब्रैकेट उससे क्या करना पड़ेगा, उससे पहले भी हमें जो ब्रैकेट से पहले जो ब्रैकेट में जो बार आता है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, कहाँ से पहले ब्रैकेट आता, ब्रैकेट में भी क्या है बार दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 का 25 माइनस 18 7 माइनस 2 का 3। अब देखो ये हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले 13 और ये 4 में से 3 गया 1 बच जाएगा प्लस 5, ठीक है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, ये जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट है छोटा ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं। 4 का 25 18 भाग है ये भाग 7 माइनस 2 का 3, इसको सॉल्व करना 13 में से जब 12 एक घटाएंगे तो 12 बच जाएगा प्लस 5, ठीक। अब हमारे पास बच के क्या आ गया, इस ब्रैकेट में ये वाला ब्रैकेट आ गया छोटा वाला ब्रैकेट,
अब इस ब्रैकेट में भी क्या है, इस ब्रैकेट में हमारे पास है का, ये जो ये साइन है हमारा प्लस माइनस साइन है, उनके बीच में भी क्या है का दिया हुआ। तो ये जो साइन है प्लस माइनस के उससे पहले भी क्या है हमारे पास ऑफ है, ये ऑफ मीन्स का, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको अलग से हम आपको समझा देते हैं ये वाला। तो ये हो जाएगा 4 का 25 माइनस 18 भाग इसके अंदर 7, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3 माइनस 12 प्लस के 5। चलिए फिर अब हमारे पास क्या है, चिन्ह कौन कौन से हो गए, ये हो गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है इस वाले ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा 4 का 25 माइनस 18 भाग, तो ये हो जाएगा 7। इनको सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 माइनस 12 प्लस का 5, फिर हो जाएगा 4 का 25 माइनस 18 भाग, इधर देखो पहले प्लस वाले एक जगह कर लो, इसमें प्लस वाले केवल कितने हैं, प्लस वाले कितना है 5, 5 ये है और 12 ये है, वो 7 ये है, 12, 7 और 5 12, और ये कितने हो गए 18 आएगा 4 का 25 हो गया माइनस 18, इसको सॉल्व करके लाए तो माइनस का 6। अब माइनस का 6 आया, तो अब हमें क्या काम करना है, इसको भाग देना है। तो कितना हो जाएगा ये 4 का 25 भाग देंगे माइनस 18 को 6 से भाग देंगे तो प्लस का 3 बच गया, और इसको जोड़ेंगे तो 4 का 25 से 3 कितना होगा 28, तो ये हो जाएगा 4 × 28 बराबर 112, ये 112 आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, 12 - 5 गुणा, बड़ा ब्रैकेट शुरू हो जाता है, 6 + (3+8 - 2) मंझला ब्रैकेट, और ये हो गया बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले क्या है, इसमें 12 ब्रैकेट है, इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 12 - 5 × 6+3, 6 8 में से जब 2 घटाएंगे तो 6 बच जाएंगे, तो ये हमारे पास ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया। इसको बाहर ये अलग स्टेप दिखाई दे रहा है, ये अलग है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 12 में 5 गए तो 7 बच गए गुणा, इसको अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 9। अब कर लो क्या इसमें 7 × अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो गया 15, और ये हो जाएगा 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ गया, 105 आ गया। देखो ब्रैकेट इसमें क्या था, बड़ा ब्रैकेट और ये छोटा ब्रैकेट, मैंने शुरू में ही बताया था, एक नियम ये भी है कि ब्रैकेट चाहे जिस भी क्रम में लगे हों तो सबसे पहले हम अंदर वाले के ब्रैकेट, जो अंदर वाले ब्रैकेट उस क्रम, उससे क्रमानुसार हम व्यंजकों को सरल करते हैं, ब्रैकेटों को सरल करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, ये दिया हुआ है 48 / 6 / 2/3 + 2/3 × 1 = 2/3, 2/3
अब देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें का दिखाई दे रहा है, यानी मीन्स ऑफ। इसको हम यहाँ गुणा, अगर हम यहाँ इसको गुणा में बदल लेते हैं, यानी यहाँ गुणा पहले से ही है, तो मैंने बताया था कि अगर ऑफ हो जिसका मतलब का है, तो हम उसको डिवाइड, जो डिवाइड है उससे पहले करते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के बाद में करते हैं जो। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पद है इतना हिस्सा पहले सॉल्व होगा इसके बाद, इसके सापेक्ष। ये हो गया 48 भाग 6, 6 इसको हमें गुणा का को गुणा में बदलेंगे, 2/3 प्लस 2/3 गुणा 1 सहित 2/3, तो इसको करेंगे 3 × 2 = 6, तो 2 × 2 = 4, तो 48 भाग कितना हो गया 4 प्लस, और ये 2/3 गुणा 5/3 आ गया। अब क्या है कि देखो भाग का, प्लस का और गुणा का चिन्ह है, तो सबसे पहले क्या है इनमें क्या आएगा, डिवाइड आएगा, तो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, इन दोनों को तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 8 = 12 आ गया, प्लस के 2/3 गुणा 5/3। अब फिर इसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन से पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा एडिशन से पहले, तो कितना हो गया 12 प्लस 5 × 10/3 = 9, तो कितना हो गया 12 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/9, और हो गया 12 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 + 1/9, 12 कितना हो गया 12 × 13 प्लस 1/9, या फिर 13 सही 1/9, 13 सही 1/9। तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है, और मैं चाहूँगा कि बोर्ड मार्क्स से संबंधित और भी जो क्वेश्चन शेष रह गए हैं मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊं। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप देखते हुए इस लास्ट तक पहुँचे हो इस वीडियो को, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की जानकारी आपको समय से मिल सके। अंत में यही कहता हूँ कि देखते सुनते और सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।